Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. दोस्तों आज का क्वेश्चन लेते हैं और आज का जो क्वेश्चन है वो हमें भेजा है चिंतन वोरा जी ने. और चिंतन जी लिखते हैं, सर कैन यू मेक वीडियो ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ जीरो डिग्री प्लेनेट इन अ चार्ट, इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड इट्स अफेक्ट इन द चार्ट. तो चिंतन वोरा जी का जो क्वेश्चन है वो ये है कि जीरो डिग्री के जो प्लेनेट्स होते हैं वो कितने स्ट्रांग होते हैं और कितने वीक होते हैं और इसका क्या असर हमारी जन्म कुंडली के ऊपर पड़ता है. देखिए इसके बारे में मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, कुछ वीडियोज़ में मैंने बताया है कि जीरो डिग्री के जो प्लेनेट्स होते हैं उनका क्या रोल आपकी लाइफ में होता है. जीरो डिग्री को आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे कोई प्लेनेट अभी किसी पहले घर से दूसरी घर की तरफ एंटर हुआ है. जैसे कोई प्लेनेट मान लेते हैं कि थर्ड हाउस में था और वो फोर्थ हाउस में दिखाई दे रहा है और फोर्थ हाउस में जो उसकी डिग्री है वो जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस में जस्ट एंटर हुआ है. और जीरो डिग्री का मतलब ये नहीं होता है कि जो प्लेनेट है वो वीक हो गया है. कोई भी प्लेनेट कभी वीक नहीं होता है जब तक वो कंबस्ट ना हो, रेट्रोगेशन में ना हो. तो जीरो डिग्री का जो प्लेनेट होता है वो ये बताता है कि अभी वो उस हाउस में कितना ट्रैवल कर चुका है, यानी कितना एरिया उसने कवर किया है. अगर जैसे हम मानते हैं कि कोई प्लेनेट मान लो कि 10 डिग्री पर है, तो ये मान सकते हैं कि 30% एरिया उसने कवर कर लिया है. और कोई 20 डिग्री पर है तो हम मान सकते हैं कि 60% या 70% एरिया उसने कवर कर लिया है. और अगर कोई प्लेनेट 28-29 डिग्री पर है तो हम मान सकते हैं कि 90% एरिया या 99% एरिया उसने कवर कर लिया है और वो दूसरे हाउस की तरफ मूव कर रहा है. लेकिन जीरो डिग्री का प्लेनेट कभी भी वीक नहीं होता है. और अगर कोई प्लेनेट जीरो डिग्री पर है तो वो पहले घर का भी रिजल्ट देगा और दूसरे वाले घर का भी रिजल्ट देगा, यानी जहां पर उसकी प्लेसमेंट है. और दूसरी बात ये कि जीरो डिग्री का प्लेनेट जिस हाउस में बैठा हुआ है उस हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. और उससे पहले वाले हाउस की लॉर्ड की पोजीशन क्या है. जैसे वो थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस में आया है तो थर्ड हाउस का लॉर्ड कहाँ पर है, कंबस तो नहीं है, रेट्रोगेशन में तो नहीं है, या अपने एग्जल्टेशन में तो नहीं है, या अपने ऑन साइन में तो नहीं है. फोर्थ हाउस में अगर प्लेनेट बैठा हुआ है जीरो डिग्री पर है उसका लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है. उसका लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, रेट्रोगेशन में होता है, सिक्स हाउस, एट हाउस, ट्वेल्थ हाउस में होता है, मैलेफिक प्लेनेट्स के साथ होता है, तो उसका जो रिजल्ट है वो बिगड़ जाता है. और हम समझते हैं कि जो जीरो डिग्री का प्लेनेट है उसके कारण हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है. अगर हम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, अगर उनका चार्ट देखें तो उनके चार्ट में टेंथ हाउस का लॉर्ड सन है और सन इलेवेंथ हाउस में जीरो डिग्री पर है. तो टेंथ हाउस का लॉर्ड अगर इलेवेंथ हाउस में जीरो डिग्री पर होगा तो क्या वो टेंथ हाउस की चीजों का रिजल्ट देगा. लेकिन अगर हम देखें तो उनको टेंथ हाउस का रिजल्ट मिला है और उनको इलेवेंथ हाउस का भी रिजल्ट मिला है. यानी जीरो डिग्री का जो प्लेनेट है वो उनको टेंथ हाउस यानी गवर्नमेंट, इलेवेंथ हाउस यानी गवर्नमेंट के थ्रू गेन, दोनों चीजों का उनको रिजल्ट मिल चुका है. और इलेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो अपने एग्जल्टेशन में है यानी मरकरी. तो इस तरीके से चीजों को आप समझ सकते हैं कि जीरो डिग्री का प्लेनेट अगर कहीं पर बैठा हुआ है तो वो वीक नहीं होता है और उससे आप ये मान सकते हैं कि उससे हम दोनों घरों के रिजल्ट्स को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और हमें बेनिफिट मिल सकता है. लेकिन उन दोनों हाउसेस के जो लॉर्ड्स हैं उनकी पोजिशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें उसका रिजल्ट मिल सकता है. सो गाइज, आज मैंने आपको बताया जीरो डिग्री के प्लेनेट के बारे में और प्लेनेटरी स्ट्रेंथ के बारे में. और ये जो क्वेश्चन हमें भेजा था ये हैं चिंतन वोरा जी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वोरा जी को. और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें. सो गाइस टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय.